अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2024 सेशन के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें अंडर ग्रेजुएट, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, इसके अलावा एमएसएम फिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में साल में एक बार ही एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं। तहम पिछले साल जीसी यूनिवर्सिटी ने दिसंबर में अपने फेज टू के एडमिशन्स भी ओपन किए थे और सिर्फ ऐसे प्रोग्राम्स में दाखिले किए गए थे जिनकी सीटें कंप्लीट नहीं हुई थी या जो नए प्रोग्राम्स मुतारफ़ कराए गए थे। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन फॉल 2024 से मुतालिक तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का आगाज 1897 में एक प्राइमरी स्कूल के तौर पर हुआ। 1905 में इसे हाई स्कूल और 1924 में इंटरमीडिएट कॉलेज बना दिया गया। तहम अक्टूबर 2002 में इसे यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जीसी यूनिवर्सिटी के 43 डिपार्टमेंट्स हैं और 121 से ज्यादा तालीमी इदारे इसके साथ एफिलेटेड हैं। यूनिवर्सिटी में 700 से ज्यादा टीचिंग फैकल्टी मौजूद है और एनरोल स्टूडेंट्स की तादाद 45,000 से ज्यादा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी एशिया की यूनिवर्सिटीज में 261 से 270 में रैंक करती है, जबकि साउथ एशिया की यूनिवर्सिटीज में ये 53 नंबर पे है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 601 से 800 है, जबकि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ये पूरी दुनिया में 181 नंबर पे है। जीसी यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद में 3 कैंपसेज हैं, 37 एकड़ पर मुश्तमिल ओल्ड कैंपस, 200 एकड़ का नया कैंपस और सिविल लाइन कैंपस। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी के 3 शहरों में सब कैंपसेज हैं जिनमें शामिल हैं चिन्योट, हाफिजा और समुद्री। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी के लैया और साहिवाल कैंपसेस में भी पिछले साल तक एडमिशन्स किए गए थे, लेकिन इस साल हायर एजुकेशन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है और जीसी यूनिवर्सिटी के साहिवाल और लैया कैंपसेस में एडमिशन्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसके मुताबिक ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट के मॉर्निंग प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, फाइन आर्ट्स, बीएफए विद स्पेशलाइजेशन इन टेक्सटाइल डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड विजुअल आर्ट्स। इसके अलावा होम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड टूरिज्म, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज और सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीबीए। इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इस्लामिक स्टडीज, कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस में अरबिक, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन और जुआलॉजी। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से रेप्लिका यानी इवनिंग में जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाइड साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट, बीएफए विद स्पेशलाइजेशन इन टेक्सटाइल डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड विजुअल आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, मास कम्युनिकेशन और सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीबीए। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इस्लामिक स्टडीज, कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस में अरबिक, पर्शियन, पंजाबी, उर्दू। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, जुआलॉजी। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं मॉर्निंग में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी डीपीटी, ईस्टर्न मेडिसिन एलएलबी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जबकि रेप्लिका यानी इवनिंग में सिर्फ डीपीटी और ईस्टर्न मेडिसिन का प्रोग्राम ही ऑफर होता है। इनके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉर्निंग, रेप्लिका और इवनिंग बेसिस पर बीएड 1.5 ईयर का प्रोग्राम भी ऑफर होता है। इसके अलावा एमबीए 2 ईयर और एमबीए एग्जीक्यूटिव 2 ईयर का प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है। इसके साथ ही जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस के 5वें सेमेस्टर में भी एडमिशन्स किए जा रहे हैं।
और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के साथ अपनी 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो तो वो इन ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें शामिल हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन, पंजाबी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जुआलॉजी। इसके बाद रेप्लिका यानी इवनिंग में ऑफर होने वाले बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में शामिल हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, बॉटनी, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैथमेटिक्स, मैथ कम्युनिकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जुआलॉजी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एमएस एमफिल के दो साल प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो इनमें शामिल हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, अरेबिक, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी। इसके बाद ज्योग्राफी जीआईएस, हिस्ट्री, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एलएलएम, मैथमेटिक्स, मैथ कम्युनिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और फाइटोमेडिसिन। इसके बाद फिजियोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पब्लिक हेल्थ, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उर्दू, वायरोलॉजी और जुआलॉजी। जबकि इवनिंग और रेप्लिका में जो एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो इनमें अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलएलएम, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, उर्दू और जुआलॉजी। जीसी यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी कॉलेज में दो साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी सेमेस्टर सिस्टम के तहत ऑफर हो रहे हैं। इनमें शामिल हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो इनमें अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, ईस्टर्न मेडिसिन, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मैथ कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज, फिजिक्स, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जुआलॉजी शामिल हैं। इस बार जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम सब कैंपसेज में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स को अगर देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड साइंसेज चिन्योट सब कैंपस में जो बीएस के फोर ईयर प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो इनमें मॉर्निंग में बीबीए कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी, जबकि रेप्लिका में बीबीए कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी शामिल हैं। इस बार चिन्योट सब कैंपस में जो बीएस ब्रिजिंग सेमेस्टर यानी बीएस के पांचवें सेमेस्टर में एडमिशन किए जा रहे हैं तो इनमें मॉर्निंग में इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी और रेप्लिका में इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी शामिल हैं। और जीसी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड साइंसेज हाफिजाबाद सब कैंपस में जो बीएस के फोर ईयर प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो मॉर्निंग में बीबीए इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जबकि रेप्लिका में बीबीए इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम शामिल हैं। और बीएस ब्रिजिंग सेमेस्टर की अगर बात करें तो मॉर्निंग और रेप्लिका में इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स और कॉमर्स शामिल हैं, जबकि समुद्री सब कैंपस में जो फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो इनमें मॉर्निंग में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश लिटरेचर, बीबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम शामिल हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की मॉर्निंग की 50 सीटें हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री की मॉर्निंग और रेप्लिका यानी इवनिंग की 50-50 सीटें हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रोग्राम की भी 50-50 सीटें हैं, बीबीए की मॉर्निंग और रेप्लिका की 150-150 सीटें हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 50, बायोटेक्नोलॉजी की 50 हैं, इसके अलावा बॉटनी की भी 50 सीट्स हैं। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं इन सबकी 40-40 सीटें हैं, केमिस्ट्री की 50, कॉमर्स की 50, कंप्यूटर साइंस की 50, डेटा एनालिटिक्स की 30 सीट्स हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंसेज की 50 सीटें हैं, फाइन आर्ट्स की 180, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 50, ज्योग्राफी की 50 सीटें हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की मॉर्निंग और रेप्लिका की 50-50 सीटें हैं, आईटी की भी 50 सीटें हैं, मैथ कम्युनिकेशन की 50, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 50, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की भी 50 सीट्स हैं, पर्शियन की 30, फिजिक्स की 50, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की 50 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी 50, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 50 सीटें हैं, उर्दू और जुआलॉजी की भी 50 सीटें हैं। जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फाइव ईयर प्रोग्राम्स ऑफर किए रहते हैं तो इनमें डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम की मॉर्निंग की 50 और रेप्लिका की भी 50 सीटें हैं, एलएलबी की मॉर्निंग की 150 सीटें हैं, फार्मडी के प्रोग्राम की मॉर्निंग की 100 सीटें हैं, आर्किटेक्चर की 30 और ईस्टर्न मेडिसिन की मॉर्निंग की 50 सीटें हैं। और इसी तरह आप यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स की सीटों की तादाद भी यहां देख सकते हैं। और ख्याल रहे कि ये जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की तफसीलात आप
आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी के 2023 के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक हैं। जीसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी को अगर देखें तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो पंजाब डोमिसाइल रखते हैं तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तहम दूसरे सूबों से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट सिर्फ अपनी रिजर्व सीटों के अगेंस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग के केस में जो एज लिमिट है दैट इज 22 ईयर्स, और जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के रेप्लिका प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स है। तहम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक की एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट मुकम्मल हो चुका है वो तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये भी अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। तहम ऐसे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर आर्जी तौर पर दाखिला दे दिया जाएगा, और जैसे ही सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होता है, और उस वक्त ये देखा जाएगा कि क्या डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम मार्क्स अचीव किए गए हैं या नहीं, और अगर स्टूडेंट्स मिनिमम मार्क्स अचीव नहीं कर पाता या किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर किए हों। तहम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर लिए हों। इनमें शामिल है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5-ईयर प्रोग्राम, इसके अलावा मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्राम जैसे कि डीपीटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ओटीटी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, और इसके अलावा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के कम से कम 60% मार्क्स हों, और अगर आपके 60% से एक नंबर भी कम आता है तो आपको इन प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम जिनमें शामिल है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इनमें एडमिशन लेते हैं प्लस बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इनमें रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी मिनिमम इंटरमीडिएट में 50% नंबर होने चाहिए। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले इन आईटी के प्रोग्राम्स में एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, और इन्हें एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में मैथमेटिक्स की डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ने होंगे। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो उन्हें पहले सेमेस्टर के अंदर आईबीसीसी की तरफ से अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करानी होगी। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट और मेरिट फार्मूला की अगर बात करें तो ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या डीपीटी या बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं या कंप्यूटर साइंसेज के डिसिप्लिन या बायोलॉजिकल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज के डिसिप्लिन में एडमिशन लेते हैं तो किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है, और स्टूडेंट्स का मेरिट सिर्फ और सिर्फ उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। और सिर्फ 3 किस्म के प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके मुतल्लिका काउंसिल इन प्रोग्राम्स में विदाउट एंट्री टेस्ट एडमिशन नहीं देती है। इनमें शामिल है बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम जिसमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री टेस्ट की चॉइस दी गई है कि चाहे तो आप जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अपना एंट्री टेस्ट दे दें या अगर आपने यूएटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ईकैट का टेस्ट दिया है तो उसकी बुनियाद पर भी दाखिला हो जाएगा। इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी कराची और मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो का एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। नस्ट इस्लामाबाद, एनटीएस नेट और ईटा की तरफ से कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर भी बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। और मेरिट फार्मूला में फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 50% वेटेज, एंट्री टेस्ट की 33% और मैट्रिक के मार्क्स की 17% वेटेज कैलकुलेट होगी। इसके बाद दूसरे ऐसे प्रोग्राम जिनमें एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो ये हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स, यानी आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इनमें एडमिशन के लिए भी कैंडिडेट्स के पास मल्टीपल एंट्री टेस्ट की चॉइस मौजूद है, जैसे कि ये स्टूडेंट जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ईकैट, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, नस्ट इस्लामाबाद, एनटीएस नेट और ईटा की तरफ से इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर भी इन प्रोग्राम्स में दाखिला लिया जा सकता है। और मेरिट फार्मूला के अंदर 70% वेटेज ली जाती है फर्स्ट ईयर के मार्क्स की, जबकि रिमेनिंग 33% वेटेज एंट्री टेस्ट की होगी। और इनके अलावा एलएलबी 5-ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास करना होगा। तो इन 3 किस्म के प्रोग्राम्स यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एलएलबी के अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इन प्रोग्राम्स के अलावा बीएस फाइन आर्ट्स के डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए भी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ बताए गए प्रोग्राम्स के अलावा बाकी सब में आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर ही मेरिट की कैलकुलेशन होगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो एमएस एमफिल में एडमिशन के लिए डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट भी दिया जा सकता है या आप एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर कम से कम 60% मार्क्स हो तो इसकी बुनियाद पर भी दाखिला लिया जा सकता है। और एलएलएम के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको गैट जनरल या डिपार्टमेंटल एडमिशन टेस्ट देना होगा और लॉ गैट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट टेस्ट या जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट मैंडेटरी है। इसके अलावा आप हेड स्कॉलरशिप टेस्ट में कम से कम 70% मार्क्स की बुनियाद पर भी दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो तमाम ही डिग्री प्रोग्राम्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की आखिरी तारीख 22 जुलाई है।
स्टूडेंट्स 22 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद सिर्फ सिलेक्टिव प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट 24 और 25 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। और इन प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस फाइन आर्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स और एमएस एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम शामिल हैं। जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 2 सितंबर 2024 से किया जाएगा। और यहां आप जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की तफसीलात देख सकते हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा मेरिट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के 5 ईयर प्रोग्राम का था, जो कि मॉर्निंग यानी रेगुलर प्रोग्राम का 93.74% पे मेरिट क्लोज हुआ था, जबकि इवनिंग यानी रेप्लिका का मेरिट 92.61% था। और यहाँ तमाम डिग्री प्रोग्राम्स को क्लोजिंग मेरिट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट 88.8% था, एमएलटी का 87.45, डीबीटी का 86.54, आईटी का 86.43, एचएनडी का 86.37, एलएलबी 82.6, बीएस केमिस्ट्री का 81.27, डेटा साइंस का 80.29, बायोकेमिस्ट्री 77.84, जूलॉजी का 74.69, फिजिक्स का 68.68, बायोइनफॉर्मेटिक्स का 67.62, बीएफए टेक्सटाइल डिजाइन का 63.92, इसके बाद बीएस मैथमेटिक्स का 61.91% था, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 58.58, बीएस बॉटनी का 53.85, बीएस पर्शियन का 53.6, हेरिटेज एंड टूरिज्म का 51.51, बीएस अरबिक का 48.38, बीएस स्टैटिस्टिक्स का 47.87, सोशियोलॉजी का 47, विजुअल आर्ट्स का 47.18, बिजनेस एनालिटिक्स का 47.05, होम इकोनॉमिक्स का 46.35, हिस्ट्री का 45.93, कॉमर्स का 45.44, उर्दू का 45.15, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का 45%, जो कि पाकिस्तान स्टडीज का भी 45% था। तो इन क्लोजिंग मेरिट से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के मुताबिक आपका जीसी यूनिवर्सिटी के किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन होने का चांस है। तो आप अकॉर्डिंगली उन्हीं डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करें जहां आपका दाखिला होने का चांस हो। और पिछले साल के मेरिट्स के हिसाब से आप ये देख लें कि आप जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई करें तो आपके मार्क्स के हिसाब से उस प्रोग्राम में फिर एडमिशन हो जाए। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं जहां आपका एडमिशन का चांस ना हो तो ऐसे केस में आपकी प्रोसेसिंग फीस आ जाएगी। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहां 2023 के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसके मुताबिक जो बीएस के मॉर्निंग के प्रोग्राम्स हैं जिनमें शामिल है अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंसेज और होम इकोनॉमिक्स, तो इन सब प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 34,700 रुपए, जबकि बाद में पर सेमेस्टर फीस 28,200 रुपए होगी। और इसके अलावा जो बीएस 4 ईयर के बिजनेस और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इन प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 53,900 रुपए, जबकि बाद में पर सेमेस्टर फीस 47,400 रुपए होगी। और चूंकि ये पिछले साल के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक फीस आपके साथ शेयर की जा रही है और इस साल 2024 का प्रॉस्पेक्टस जैसे ही इशू होता है तो मुमकिन है कि इन फीसों में थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया हो। इसके बाद एमएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के केस में पहले सेमेस्टर की फीस 78,300 रुपए और बाद में पर सेमेस्टर 70,300 रुपए होगी। बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 37,000 रुपए और बाद में 30,500 रुपए है। डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 74,200 रुपए और बाद में 67,700 रुपए होगी। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 69,900 रुपए और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 63,400 रुपए। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की 61,400 रुपए और बाद में पर सेमेस्टर 54,900 रुपए फीस होगी। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की 61,400 रुपए और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 54,900 रुपए। डॉक्टर फिजिकल थेरेपी की 57,300 रुपए फीस होगी और अलाइड हेल्थ साइंसेज के तमाम डिसिप्लिन की पहले सेमेस्टर की फीस 43,300 रुपए है। इसके बाद बैचलर के प्रोग्राम्स बीएस कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एनालिटिक्स के केस में पहले सेमेस्टर की फीस 45,800 रुपए और बाद में पर सेमेस्टर फीस 39,300 रुपए होगी। और एमएस एमफिल इकोनॉमिक्स, अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, पंजाबी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मैथ्स, कॉम और बाकी तमाम सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन की पहले सेमेस्टर की फीस 61,800 रुपए और बाद में पर सेमेस्टर 53,800 रुपए फीस होगी। बीएस इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, अरेबिक, पंजाबी और पर्शियन की पहले सेमेस्टर की फीस 30,000 रुपए और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 23,500 रुपए है। अंडर ग्रेजुएट के जितने भी नॉन साइंस प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, मैथ्स कम्युनिकेशन, आईआर, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, अप्लाइड साइकोलॉजी जैसे तमाम डिसिप्लिन की पहले सेमेस्टर की फीस 30,800 रुपए और बाद में पर सेमेस्टर 24,300 रुपए है। फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और पेंटिंग की पहले सेमेस्टर की 43,200 रुपए फीस होगी। एलएलबी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की 43,100 रुपए और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 36,600 रुपए फीस है। और ख्याल रहे कि तमाम प्रोग्राम्स की जो फीस आपके साथ शेयर की गई है तो ये मॉर्निंग के सेशन की है। और जितने भी स्टूडेंट्स इवनिंग या रेप्लिका के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करते हैं तो मॉर्निंग की फीस में पर सेमेस्टर 12,000 रुपए इजाफी फीस आपको अदा करनी होगी। यानी अगर किसी प्रोग्राम की मॉर्निंग की 30,000 रुपए फीस है तो जो इवनिंग में एडमिशन सिक्योर करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को 42,000 रुपए फीस अदा करनी होगी। इस तरह मॉर्निंग के फीस स्ट्रक्चर में अगर आप 12,000 रुपए पर सेमेस्टर ट्यूशन फी एड
कर देते हैं तो ये आपकी इवनिंग और रेप्लिका की फीस बन जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस के बेसिस पर दाखिला लेते हैं तो ख्याल रहे कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेल्फ फाइनेंस की सीटों को बेंच फी का नाम दिया जाता है और सेल्फ फाइनेंस यानी बेंच फी के केस में जो आप एडमिशन क्योर करते हैं तो पर सेमेस्टर आपको 25,000 रुपये इजाफी फीस अदा करनी होगी। यानी जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग की बेंच फी यानी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं तो मॉर्निंग की फीस के साथ साथ इजाफी आपको पर सेमेस्टर 25,000 रुपये अदा करने होंगे और जो स्टूडेंट्स इवनिंग या रेप्लिका प्रोग्राम में बेंच फी पर दाखिला लेते हैं तो ऐसे केस में जो इवनिंग की फीस होगी तो उसमें 25,000 रुपये पर सेमेस्टर इजाफी फीस भी आपको अदा करनी होगी। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड ना कर सकते हो तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें शामिल हैं HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, इसके अलावा पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड यानी PEF, चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप, दी पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वुमेन, कारवाने इल्म फाउंडेशन, इंटरलूप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, किला गिफ्ट फंड ट्रस्ट, इसके अलावा पंजाब ज़कात डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंटरनल मेरिट स्कॉलरशिप फॉर पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स, इसी तरीके से पाकिस्तान बैतुलमाल स्कॉलरशिप है, दिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप, फौजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप और यहाँ मेंशन किए गए जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं तो इनमें आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की फीस अदा ना कर सकते हो तो उन्हें किसी न किसी स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड प्रोग्राम के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। और तमाम स्टूडेंट्स को जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा जिसका लिंक है gcuf.edu.pk/admission और अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फीस 700 रुपये है। तहम अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो जिसका साथ में आपने एंट्री टेस्ट भी देना है तो एंट्री टेस्ट के लिए एडिशनल 500 रुपये प्रोसेसिंग फी भी आपको पे करनी होगी। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और जो स्टूडेंट्स पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें क्रिएट एडमिशन अकाउंट पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी होगी, तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और उसके बाद बैंक चालान का प्रिंट आउट लेकर मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करवाएं। इसके बाद जल्द ही इंशाल्लाह चैनल के ऊपर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे और उसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है।